कहानी की शुरुआत से पेप्पा सुअर ने खुद को एक अनजान कमरे में पाया जहां वो कभी नहीं गई। कहानी में दुखद मोड़ था और यह किसी का भी दिल तोड़ सकती है। वो दरवाजा खोलती है और पाती है कि दादी उसकी माँ का पीछा कर रही है और उसकी माँ अपनी गार्ड बचा कर दौड़ रही है। दादी पेप्पा की माँ को पकड़ती है और उसे कुत्ते की मौत मार देती है। पेप्पा पिग चीते की तरह तेज दौड़ती है और वो वॉशरूम में जाती है जहां उसे गोबर के अंदर एक चाकू मिलता है और वो दादी की ओर दौड़ने लगती है और फिर दादी अपनी जान बचाने के लिए अपनी गार्ड बचाकर दौड़ने लगती है। फिर डैडी पिग आए और पेप्पा पिग को अपनी ठंडी बियर की बोतल से मार डालते हैं। तब पेप्पा सुअर ने खुद को अपने बेडरूम में पाया जहां उसे उसके माता पिता ने कुछ के लिए सूचित किया था। डैडी पिग और मम्मी पिग पार्टी के कपड़ों में खुद को तैयार कर रहे थे और किसी की शादी के लिए जा रहे थे। वे उसे शादी की पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार होने की सूचना पेप्पा को देते हैं। वो संडास में सारा दिन हग रही रही थी क्योंकि वो शादी में बहुत सारा खाना खाना चाहती थी। वे लोग जयमाला से पहले कहानी के साथ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर विशेष रूप से उपलब्ध पेप्पा पिग और ग्रैनी की कहानी के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हंसी आ सके। आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में बहुत अधिक कहानियां वीडियो की लिंक्स उपलब्ध हैं। ले पहुंचे पेप्पा चाट फुल्की के तरफ में जाती है जबकि मम्मी पिग ग्रैनी की बकवास फोटो क्लिक करने का इंतजार कर रही थी। वो पाती है कि डैडी पिग कहीं नहीं है। वो अपनी पूरी गांड की ताकत से चिल्लाई। स्टेज पर जयमल के लिए डैडी पिग को ग्रैनी के साथ देखकर मम्मी पिग की गांड फट गई। बहुत बड़ा छेद, हा हा हा, वो मादर चोद चिल्लाई। मादर चोद, मादर चोद, मादर चोद। पेप्पा सुअर ने इतनी जोर से चिल्लाया कि सभी बहरे हो गए और मर गए और सबकी गांड फट गई। के बाद मम्मी पिग बहुत उदास महसूस करती है लेकिन आखिरकार बाद वह तलाक लेने के बाद डैडी पिग ग्रैनी की शादी के लिए राजी हो जाती है लेकिन वह अपनी बेटी पेप्पा सुअर और बेटे जॉर्ज सुअर के साथ शादी में शामिल होती है। पेप्पा पिग अपने दोस्तों के साथ कोने में फोटो क्लिक कर रही थी। ये डैडी पिग हल्दी का रस्म था और दादी ने खुद को लहंगे और गहनों में गर्दा उड़ा रही थी। एकदम मस्त पेप्पा पिग और उसके दोस्त बहुत तेजी से नाचने लगे कि डिस्को टूट गया और सभी गांड फाड़ रोने लगे। पेड्रो पोनी मम्मी पिग के पास जाती है और कहता है कि चीते की तरह जल्दी से उससे शादी कर लो। मम्मी पिग हगना शुरू कर देती है और भाग जाती है। सभी उल्टी करने लगते हैं और मर जाते हैं। पेप्पा सुर बहुत खुश हो जाता है और वह सारा टट्टी खाना शुरू कर देती है और मर जाती है। आज डैडी पिग के मेहंदी के रस्म बा। मम्मी सुअर के छोड़ के सब लोग खुश रहे क्योंकि वो इतना बुरा रोवत रहली कि उनकर फेफड़ा उनके गांड से बाहर निकल गई रहे। का बकवास बा। पेप्पा पिग मेहंदी लगाए गांड में स्टोव में काम करेला इसलिए वो अपना ग्रैनी नया माय पर मेहंदी लगावत रहली। वो बदला लेवे के चाहत रहली इसलिए वो ग्रैनी के हाथ पर बहुत खराब गांड मेहंदी के डिजाइन बनवले रहली लेकिन ग्रैनी अपना लंच में पेप्पा पिग खाली। यही से सब लोग खुश रहे। लबही जॉर्ज सुअर आके सबका के क्रिसमस की शुभकामना कहत रहे। तबही ग्रैनी जॉर्ज को खा गई। फिर दादी और डैडी की शादी धूमधाम से हो जाती है।